मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर बातों ही बातों में प्रदेश सरकार को नसीहत दे दी है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जांच करवा ली है, लेकिन राज्य सरकार पहले ही ऐसी आपदाओं के लिए बजट पास कर चुकी थी, लिहाजा राज्य सरकार पहले अपने बजट से मुआवजा बांटे, जिसके बाद केंद्र सरकार अपने सर्वे के मुताबिक राज्य सरकार को जरूरी आर्थिक सहायता दे। बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत करने जबलपुर पहुंचे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने दावा किया कि इतिहास में पहली बार देश का चौतरफा विकास हो रहा है और अगर देश में छिपी हुई संस्कृति विरासतों को ब्रांडिंग के जरिए सामने लाया जाता है तो एक दिन भारत पूरी दुनिया का टूरिस्ट हब जरूर बनेगा। पहले से ही सरकारों के पास राहत से निपटने के लिए धनराशि बजट में हो जाती है। वो खर्च होने के बाद जहाँ जहाँ से वो संसाधन और हो सकते हैं वो मिल के फिर जो क्षति है उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। तो अपने देश में जो हमारी विरासतें हैं उनको एक बार जीवित करने के बाद दुनिया के लिए एक दिन भारत टूरिस्ट हब बन जाएगा।